हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल और आज की इस बात करने वाला है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के थर्ड ओडीआई मैच के बारे में जो कि इस सीरीज का आखिरी मैच भी होने वाला है तो जरूर से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए पर वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दो इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में जो कि है फन एटी एट फन एटी एट एक ऑनलाइन गेमिंग साइट है आपको बता दो फन एट एट एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है इनके पास सारे स्पोर्ट्स और सारे मैचेस अवेलेबल होते हैं इनके पास आपको स्पोर्ट्स बुक और स्पोर्ट्स एक्सचेंज दोनों ही देखने को मिलेंगे स्पोर्ट्स बुक में आप दोनों टीमों को बैक कर सकते हो भाई स्पोर्ट्स एक्सचेंज में मैच की सिचुएशन के हिसाब से एक टीम फेवरेट होती है उसे आप ले कर सकते हो या बैक कर सकते हो फन एटेट देश साइट है जो कि आपको ब्रांडेड स्पोर्ट्स एक्सचेंज देती है और फनीटेट बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर भी है तो आप बिना किसी टेंशन के यहाँ पे पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हो पैसे आपके बढ़िया आसानी से विद्रॉ भी हो जाएंगे आप पैसा डिपॉजिट पेटीएम या फोनपे से भी कर सकते हो पेटीएम या फोन पे से डिपॉजिट कैसे करना है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है अगर आपको फोन पे आप पेटीएम से डिपोजिट करने में दिक्कत आ रही है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इसके अलावा फन के रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अभी रजिस्टर करने पर आपको थर्टी एक्स्ट्रा बोनस भी मिल जाएगा तो भाई ये दूसरे मुकाबले में भी इंग्लैंड ने ही टॉस जीता और इस बार पहले बैटिंग करने का फैसला लिया बैटिंग में लगातार इंग्लैंड के विकेट गिरते ही गए ओपनर जल्दी आउट हो गए उसके बाद जो रूट और मॉर्गन की छोटी सी पार्टनरशिप बनी पर वो भी आउट हो गए उसके बाद लगातार इंग्लैंड के विकेट गिरते ही जा रहे थे हालांकि एंड में आदिल रशीद और टॉम करन के बीच में अच्छी पार्टनरशिप हुई और एंड में उन दोनों ने कुछ बाउंड्रीज भी लगाई जिसके चलते इंग्लैंड टू तक पहुंच पाया बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग तो अच्छी की पर मेरे ख्याल से एंड में उन्होंने थोड़े ज्यादा रन दे दिए वो इंग्लैंड को दो सौ ग्यारह रून भी अलॉट कर सकते थे पर तीसर रन मेरे ख्याल से एंड में उन्होंने ज्यादा दे दिए बॉलिंग में जॉस हेजलवुड का परफॉर्मेंस अच्छा था मिचेल स्टार्क को भी दो विकेट मिले एडम जैपा को तीन विकेट मिले दिक्कत आई ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग में इस मुकाल में भी स्टीस में टीम का हिस्सा नहीं थे उन्हें एज ए प्रिकॉशनरी मेजर इस मुकाल में भी रेस्ट दिया गया था ऑस्ट्रेलिया के दो विकेट तो जल्दी गिरे पर उसके बाद एरन फिंच और माइनस लेबेन के बीच में अच्छी पार्टनरशिप हुई पर जैसे ही उनकी पार्टनरशिप टूटी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पत्तों की तरह कोलैप्स कर गई बहुत ही गंदा वाला ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का कोलैप्स हुआ बिल्कुल पारी बिखर सी गई एंड में एलेक्स गेरी ने जरूर पारी को संभालने की कोशिश की पर उनके अकेले का एफर्ट इनफ नहीं था और ऑस्ट्रेलिया मुकाबला हार गई इंग्लैंड की तरफ से बॉलिंग में क्रिस वोक्स जोफ्रा आर्चर और सैम करन को तीन तीन विकेट मिले इसके अलावा आदिल रशीद को एक विकेट मिला टॉम करन को विकेट तो नहीं मिला पर उनकी बॉलिंग काफी इकोनॉमिकल थी और आप कह सकते हैं इंग्लैंड की तरफ से भी सभी बॉलर्स का परफॉर्मेंस अच्छा था अभी बात करें तीसरे मुकाबले की तो इस मुकाबले की मेरी ड्रीम इलेवन टीम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस टीम के बेसिस पर अपनी खुद की टीम भी बना सकते हैं ये मुकाबला भी खेला जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में वेदर इस मुकाबले में भी क्लियर रहने वाला है तो हमें पूरा मुकाबला देखने को मिलेगा बात करें पिच की तो पहले दोनों ही मुकाबले पिच ने गेंदबाजों को ही को मदद की है तेज गेंदबाजों को मूवमेंट मिला है स्पिनर्स को भी यहाँ पे विकटें मिली है पर मेरे ख्याल से तीसरे मुकाबले हमें थोड़े ज्यादा रन बनते हुए देखने को मिल सकता है पहले दोनों ही मुकाबले उतने ज्यादा रन बनते हुए हमें नहीं देखने को मिले थे पर तीसरे मुकाबले मुझे लग रहा है कि तीन का मार्क क्रॉस होते तो हुए हमें देखने को मिल सकता है तीन ज्यादा रन भी हमें बनते हुए देखने को मिल सकता है ऐसा मेरा मानना है तो जरूर पिछले मुकाबले में लो स्कोर डिफेंड हुआ था पर मेरे ख्याल से तीसरा मुकाबला बल्लेबाजों के नाम जा सकता है तीसरे मुकाबले में बैट्समैन शाइन करते हुए देखने को मिल सकता है तो इसलिए आप दो सौ अस्सी रन तो बनाना चाहेंगे या अगर आपने तीन सौ ग्यारह या उससे ज्यादा रन बना दिए तो आपने एक बहुत ही बढ़िया टोटल बना दिया है पहले दोनों ही मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे इस मुकाबले में भी मेरे ख्याल से पहले बैटिंग करना ही एक ज्यादा बटर ऑप्शन होगा क्योंकि चेस करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है आसानी से टारगेट चेस नहीं हो रहा है और चेस करते हुए कोलैप्स का भी चांस बन रहा है मैच प्रडिक्शन की बात की जाए तो पहले दोनों ही मुकाबले में इंग्लैंड के साथ गया था और इस मुकाबले में भी मैं इंग्लैंड के साथ ही जा रहा हूँ मेरा मैच प्रडिक्शन है इंग्लैंड मुझे लग रहा है इंग्लैंड के बल्लेबाज इस मुकाबले में शाइन करेंगे इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अभी तक ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है पर इस मुकाबले में मुझे उम्मीद है उनसे इस मुकाबले का मेरा मैच प्रोडिक्शन है इंग्लैंड मुझे लग रहा है इंग्लैंड ये मुकाबला जीतेंगे अभी वीडियो एंड करने से आपको फिर से दिलाड के बारे में लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है अभी रजिस्टर करने पर आपको थर्टी एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा सारे स्पोर्ट्स और सारे मैचेस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाना ना भूले जय हिंद